जब वहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई है ना, तो अंग्रेज़ों ने इलाके के सरकर्दा लोगों को कहा कि हमें आप मैन पावर भी दें और घोड़े भी दें। तो राय साहब ने इनकार कर दिया। ये बात यहाँ की लोकल जो है पंजाबी शायरी में भी गाई जाती है, अंग्रेज़ बरकली आंदा है, राय अहमद देवें घोड़ियाँ, तेरी लंदनों लिख लियाओ सा नेक नामी, राय अहमद आंदा है, रन्ना बोएं ते घोड़ियाँ, वंड किसे न दितियाँ, होंदियाँ बुत दे विच साह सलामी। तो पंजाब में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गोगेरा में भी हुई, मरी में भी हुई, वहाँ पे भी सिवल आबादी लड़ी है। अंग्रेज़ों ने या उनके हिमायती जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा जी ये तो जराइम पेशा लोग थे, ये क्रिमिनल्स थे, ये कैटल लिफ्टर्स थे, ये तो सारे काश्तकार थे, अपने ज़िम्मेदार लोग थे, और ये उठ खड़े हुए हैं किस लिए, वतन की मोहब्बत में। वट्टू, काठिया, मुर्दाना, फतियाना, वैनीवाल, कबायल जो थे, बद्रू, ये सारों की मीटिंग हुई और अहमद खान खरल शहीद को उन्होंने अपना सरदार माना कि ये रावी का हमारा सरदार है और जो फैसला करेगा वो उसमें शामिल होंगे। वहाँ पे मौजूद कमालिया के सरफराज खान खरल ने ये खबर रातों रात NW एल्फिंस्टन डिप्टी कमिश्नर गोगेरा को पहुंचाए और एल्फिंस्टन ने अपने एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर बर्कले, जिसको यहाँ उर्फ आम में बरकली कहा जाता है, उसको भेजा 17 की सुबह कि तुम जामरा जाओ और राय अहमद खान खरल को गिरफ्तार करो। वो अहमद खान खरल जो थे वो तो निकल चुके थे सारे, तो उन्होंने जब मायूसी हुई, कोई नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने उस वक्त जो है उनके बेटे राय बालक खां को गिरफ्तार किया जो उस वक्त बिल्कुल लड़कपन में थे। इसके अलावा उसने बर्कले ने ये किया कि उसने जामरा को आग लगा दी। ये वो बर्कले है जिसने राय अहमद खान खरल को शहीद किया था और फिर इंतकाम के तौर पर मुराद फतियाना, सूजा बदरू और दूसरे मुजाहिदीन ने दूसरे ही दिन इसको मार डाला था। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट जनवरी 1858 तक जारी रही है। हाँ, एक बात है कि पंजाब की अक्सरीती अशराफिया जो थी वो अंग्रेज़ों की हामी थी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है और ये सिर्फ पंजाब के साथ मखसूस नहीं है। 1857 की तारीख देखें और आप 1947 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आज 2021 को देखें तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन इसके दरमियान है। 1857 में जो लोग अंग्रेज़ों की हिमायत कर रहे थे उनको जागीरें मिली, उनको जनाब ओहदे मिले, उनकी औलादें आज तक असम्बलियों में मौजूद हैं।